टाइप वाला हिस्सा है ये हमारा कैथोड का पार्ट होता है, और जो हमारा पी टाइप वाला हिस्सा है चूंकि एक डायोड बन गया है तो उस डायोड में जो पी टाइप होता है ये हमारा एनोड का पार्ट होते हैं। अब अगर हमें इस डायोड को जो है फॉरवर्ड बायस में तब्दील करना है तो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है कि इसे हम लोग या तो रिवर्स बायस कर सकते हैं या इसे फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं। आम हालत में किसी भी डायोड के अंदर से उसके अपने अंदरूनी पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो है करंट फ्लो नहीं करता, जब तक कि हम इसे बैटरी का कोई एक सोर्स नहीं देते, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं देते बैटरी का, तो उस वक्त तक इसके अंदर से जो है करंट फ्लो नहीं करता। अब अगर हमें इस डायोड को जो है फॉरवर्ड डायोड में या फॉरवर्ड बायस डायोड में तब्दील करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमारा ये जो बैटरी का ये जो है हमारे डायोड का पी टाइप, इसे हम लोगों ने हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इस तरीके से इसे हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो हमारा एन टाइप वाला पार्ट है इसे हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड करना है। इस तरीके से हम इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो ये सर्किट है ये सर्किट कम्प्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो है हमें नेगेटिव साइन दिखा देना चाहिए। अब हम लोगों ने जो है इस डायोड को फॉरवर्ड डायोड में तब्दील कर दिया, और हमें ये भी मालूम है कि हम लोग इसे यू वाला सिंबल दे सकते हैं। हमें मालूम है कि सिंबल जो है वो इस तरीके का ही है कि यहाँ पे एन टाइप आ जाता है और यहाँ पे ई टाइप, लेकिन ये सिंबल तो हम लोग बाद में देंगे। अभी जो हमारे पास फिगर बनी है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग फॉरवर्ड बायस के काम करने का तरीका देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक जो है हम लोग सोर्स लगा देते हैं। अगर हमने किसी डायोड को फॉरवर्ड डायोड में तब्दील करना है फॉरवर्ड बायस डायोड में, तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है कि ये जो है अगर इसे इस डायोड को हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस डायोड में तब्दील करना है तो इसका जो पी टाइप है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, और जो एन टाइप है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। और दूसरी हमारी कंडीशन ये होती है कि ये जो बैटरी हमने लगाई है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो वोल्टेज है, अगर तो ये सिलिकॉन है, अगर हम लोग सिलिकॉन का डायोड यूज़ कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि सिलिकॉन के डायोड में इसका जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। तो अगर तो हम लोग सिलिकॉन का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को जो एक्सटर्नल सोर्स हमने इस डायोड के साथ लगाया है उस एक्सटर्नल सोर्स की जो वैल्यू है, इसे मैं ई एक्स कह देती हूँ, इस वी एक्स की वैल्यू जो है हमेशा इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 0.7 वोल्ट है तो मुझे बैटरी ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो या तो 1 वोल्ट की हो या 2 वोल्ट या इससे भी ज़्यादा, लेकिन 0.7 से वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक्सटर्नल सोर्स की बैटरी का वोल्टेज आपकी डायोड के पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगा तभी तो वो क्या करेगा कि चार्ज कैरेट को इस काबिल बना सकेगा कि ये अपने अंदर से जो है करंट को गुजरने दे। अगर उसका अपना ही करंट, अपना ही वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल बैरियर से कम होगा तो वो करंट को गुजरने ही नहीं देगा। तो इस तरीके से फॉरवर्ड बायस जब भी करना हो तो हम लोगों को पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उस बैटरी के सोर्स का जो वोल्टेज है वो सेमी कंडक्टर डायोड के जो पोटेंशियल बैरियर है उससे ज़्यादा हो। अगर ये जर्मेनियम है तो हमें 0.3 से ज़्यादा बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी ज़्यादा वोल्टेज वाली, और अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो हमें 0.7 से ज़्यादा वोल्ट वाली जो है पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि करंट का जो पैसेज है वो इजीली हो सके, करंट आसानी से इसके अंदर से गुजर सके। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाती है हमें मालूम है कि इस बैटरी का वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल क्या फर्ज कर लीजिए कि आपके पास सिलिकॉन की एग्जाम्पल ही है तो आपके पास 0.7 से इस बैटरी का वोल्टेज जो है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये 1 वोल्ट है, 0.7 से तो ज़्यादा हो गया ना। तो जैसे ही वोल्टेज की वजह से यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है इस पूरे के पूरे सर्किट में, और इस सर्किट में हम लोग क्या करते हैं बाज़ अवकात हम लोग जो है मिलियन पेयर भी लगा लेते हैं, जो है हमारे पास मिली एमीटर लगा लेते हैं, या बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं वोल्टमीटर लगा लेते हैं, या बाज़ दफ़ा हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि हम गैल्वेनोमीटर जो है वोल्टमीटर जो है उसके अलावा जो है हमारे पास एमीटर है उसे यूज़ कर सकते हैं, या इन तीनों की जगह जो है हम लोग यहाँ पे एवोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें रेजिस्टेंस करंट और वोल्टमीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम तीनों के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली अक्सर होता है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर भी यूज़ कर लिया, हम लोगों ने एमीटर यूज़ कर लिया, या हम लोगों ने जो है यहाँ पे एवोमीटर लगा लिया। तो अब क्या होता है जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी को कनेक्टेड कर दिया है तो बैटरी के कनेक्टेड होने की वजह से अब यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे ही करंट फ्लो करता है तो क्या होता है कि इस टर्मिनल से जो है हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, और करंट फ्लो करते करते जो है इस डायोड के अंदर से भी पास करता चला जाता है,
अब होता ही है कि ये हमारे करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, और इसके रिवर्स जो है हमारे होल्स इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में, चूंकि हमें मालूम है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है। जैसे जैसे हमारे बैटरी का वोल्टेज बढ़ता चला जाता है और ये बैटरी का वोल्टेज जो है चूंकि हमारे पोटेंशियल जो बैरियर है उससे ज़्यादा है, तो क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन रीजन की हमारे पास मोटाई है, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन रीजन है, इसकी जो लेयर्स की मोटाई है या इससे सब कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये कम होती है तो यहाँ से भी करंट जो है फ्लो करना शुरू हो जाता है। बेसिकली हमारे पास होता ये है कि वो हिस्सा जहाँ पर हमारे पास इस वक्त कोई भी डिप्लेशन रीजन नहीं है वहाँ से तो करंट बहुत जल्दी से पास करना शुरू हो जाता है, लेकिन वो हिस्सा जहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो है वो बाई से आ रही है डिप्लेशन रीजन, वहाँ पर ज़रा करंट जो है स्लो पास करता है। लेकिन जैसे ही करंट पास करना शुरू हो जाता है तो ये जो डिप्लेशन रीजन की मोटाई है जो लेयर से ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। काफ़ी लेयर्स जो है जिससे चूँकि करंट पास होना शुरू हो जाता है तो ये लेयर्स की मोटाई कम होना शुरू हो जाती है, और ऐसा ऐसा एक वक्त ऐसा आता है कि सिर्फ जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है उसमें सिर्फ इतना सा पार्ट रह जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जिसके अंदर से डिप्लेशन रीजन की एक लेयर या एक दो लेयर्स हो जाती हैं वो मौजूद होती है, बल्कि बाकी जो बाकी लेयर्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ एक दो लेयर्स ही उस वक्त मौजूद होती हैं और बाकी लेयर्स जो हैं करंट गुजरने की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से इस डायोड के अंदर चूंकि ये फॉरवर्ड बायस हो गया है तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट गुजर रहा होता है, करंट के गुजरने की वजह से जो डिप्लेशन रीजन है यहाँ पर जिसकी एक तहसी बन जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करनी देती, अब वो क्या करती है ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो कम होती है तभी तो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूवमेंट शुरू करते हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से इस डायोड के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग जो है एमीटर लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के फर्स्ट कर लीजिए आप गैल्वेनोमीटर के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने एमीटर भी लगा दिया, मिली एमीटर लगा दिया यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो है वोल्ट बहुत कम है इसलिए उसके हिसाब से हम लोगों ने जो है करंट की वैल्यू भी मिली एम्पीयर में यहाँ पर लगा दी। अब क्या होता है कि ये करंट जितनी भी करंट इसके अंदर से गुजर रहा है उसे ये एमीटर जो है वो मेजर कर लेगा, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है डिप्लेशन रीजन की जो लेयर्स है ये कम होना शुरू हो जाती है। जब हमारे पास एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हमारे पास जो है करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और वोल्टेज भी फ्लो कर रहा है, फिर सी बात है बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, तो बैटरी के वोल्टेज की वजह से ही इस डायोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस बैटरी ने वोल्टेज दिया, और इस बैटरी की जो वोल्टेज है उस वोल्टेज ने क्या किया कि इस डायोड का जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर था उसका इसने पोटेंशियल बैरियर कम किया जो कि 0.7 था उसको कम किया, उसको कम करने की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस काबिल बनाया कि ये इस डिफ्लेक्शन रीजन को पार करके दूसरी साइड पर जा सके और करंट को इस डायोड के अंदर से पास करा सके। जैसे ही चूंकि इस बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा था तो उसने इस पोटेंशियल बैरियर को कम किया, उस पोटेंशियल बैरियर की कम होने की वजह से यहाँ पर डिप्लेशन रीजन के लेयर्स भी कम होना शुरू हो जाती हैं। जब ये हमारा काम होता होता एंड तक आता है तो इतना सा हिस्सा हमारे पास अक्सर औकात रह जाता है जो कि हमारे पास अनबायस्ड होता है, और ये बाकी सारा का सारा हिस्सा जो है जिसे मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ कि ये वाला जो हमारे पास खाली हिस्सा है ना ये अब हमारे पास बायस्ड हिस्सा है जिसे हम लोग फॉरवर्ड बायस्ड कह सकते हैं, और ये वाला जो हमारे पास दरमियान का थोड़ा सा हिस्सा है ये अनबायस्ड है, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये अनबायस्ड है या अनफॉरवर्ड बायस्ड है, इसे अनफॉरवर्ड बायस्ड कह सकते हैं, ये हमारे पास अनफॉरवर्ड बायस्ड है, और ये वाला जो हिस्सा ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसका ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही डायोड में जो कि फॉरवर्ड डायोड है इसमें दो हिस्से बन जाते हैं, एक हमारे पास जो है अनबायस्ड भी हिस्सा आ जाता है और एक जो है हमारे पास बायस्ड हिस्सा भी आ जाता है। अनबायस्ड वो थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसके अंदर अभी भी एक दो लेयर डिप्लेशन रीजन की बच जाती हैं, लेकिन वो करंट के पैसेज में इतनी रुकावट नहीं पेश करती, लेकिन बस ये होता है कि अब उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा हिस्सा जो है रह जाता है, जबकि बाकी हिस्से के अंदर से करंट फ्लो करने की वजह से जो है वो हिस्सा फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में तब्दील। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखना चाहें कि किस तरीके से करंट और वोल्टेज का रिलेशन है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो है रिलेशनशिप के देखना है फॉरवर्ड बायस करंट का और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का, तो हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारा एक ग्राफ है, यहाँ पर हम लोग जो है IF लिख लेते हैं मतलब कि हमारा फॉरवर्ड बायस करंट, और यहाँ पर जो है VF लिख लेते हैं। होता क्या है कि फॉरवर्ड बायस में हमारे पास करंट कुछ इस तरीके से आ रहा होता है,
और इसमें जो है यहाँ पर हम जाके एक स्लोप बना लेते हैं। इस स्लोप में ये हमारे पास आई एफ की वैल्यू होती है और ये हमारे पास पी एफ की वैल्यू होती है। जो स्लोप है इसे हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमें वैल्यू देती है। स्लोप हमेशा हमारे पास वाई ओवर एक्स होती है, तो यहाँ पर जो हमारे वाई की वैल्यू है वो आई एफ डिवाइडेड बाई वी एफ आ जाती है। ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू होती है। हम लोग क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस में हम लोग अक्सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक रेजिस्टेंस आ रही होती है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर इसलिए यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बात अवत होता है कि ये जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है जो कि बैटरी के थ्रू दिया है, बात अवत इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर इसकी वैल्यू एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा ये जो डायोड है ये जल सकता है या इसके ज़ाया होने का खतरा होता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस क्या करती है, इस पोटेंशियल बैरियर की वजह, जो हमारा पोटेंशियल हम लोगों ने एक्सटर्नल बैटरी यूज़ की है इसकी वजह से इस डायोड के अंदर जो है करंट उतना ही गुजरने देती है जितना इस डायोड के लिए स्पेसिफाई होता है। मतलब कि इस रेजिस्टेंस का एक बहुत ही अहम और मेजर फंक्शन है कि ये इस डायोड की जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं करने देती, जिसकी वजह से इस रेजिस्टेंस के इस्तेमाल से हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि हमारा डायोड सेव हो जाता है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम लोग आर एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जो इसकी वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है। बस आप कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है कि कुछ इसकी फ्यू ओहम्स होती है, इसकी वैल्यू जो है कुछ ओहम्स होती है, बहुत ही कम, एक दो ओहम हो सकती है, इसकी जो वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये डायोड को ज़्यादा होने से बचाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि जो आपका वोल्टेज है वी इक्वल्स टू आई आर ओहम सॉ के रिलेशन के अकॉर्डिंग, आपको मालूम है कि अगर आपका कोई सर्किट हो उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो और रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट हो और आपने वोल्टेज भी प्रोवाइड किया हो तो आप कह सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज है वो आई आर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर मैंने एफ आर के लिए रिलेशन निकालना हो, एफ आर जो कि हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में यूज़ किया है, तो इसे मैं बता सकती हूँ कि ये जो है मेरे पास वी एफ डिवाइडेड बाई आई एफ के इक्वल आ जाएगी। और इसे दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्लोप है उसका रेसिप्रोकल हुआ, मतलब कि ये तो मेरी स्लोप थी ना, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ 1/m कर लूँ तो ये चीज़ मेरे पास वी एफ डिवाइडेड बाई आई एफ के इक्वल आ जाएगी। तो बेसिकली मेरी जो आर एफ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/m के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अपनी रेजिस्टेंस के बारे में रिलेशनशिप चाहिए हो तो वो हम लोग स्लोप ग्रेडियंट से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास आई एफ की वैल्यू होगी, हमारे पास वी एफ की वैल्यू होगी, उससे हम लोग आर एफ के बारे में बता सकते हैं, या आर एफ की वैल्यू होगी उससे हम लोग स्लोप की वैल्यू के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज़ की जाने वाली रेजिस्टेंस के वोल्टेज, उसकी करंट के बारे में इंडिकेशन दे सकते हैं कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है और कितनी क्वांटिटी के साथ फ्लो कर रहा है। तो फॉरवर्ड बायस होने के लिए किसी भी डायोड को आप जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज अ फॉरवर्ड बायस यूज़ कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपका जो डायोड है, जो कि आपका इस तरीके का एक डायोड होता है, ये आपका पी है टाइप और ये आपका एन टाइप है। आपने क्या करना होता है कि पी टाइप को आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस बन जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और शर्त होती है, वो शर्त क्या होती है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर आपने जो पोटेंशियल आपने दिया है, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू इस डायोड को कन्वर्ट किया है, जो प्रोवाइड किया है, उसकी वैल्यू अगर तो ये सिलिकॉन है तो ग्रेटर देन 0.7 होनी चाहिए और अगर जर्मेनियम है तो ग्रेटर देन 0.3 होनी चाहिए, तभी आपका बैटरी का जो वोल्टेज है इस डायोड में से करंट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो तभी करंट जो है उसके अंदर से फ्लो करेगा ना जब इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो इसके पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस भी यूज़ की, वो रेजिस्टेंस क्या करती है कि इसकी वैल्यू चंद ही ओहम होती है, लेकिन उसका एक फंक्शन है जो कि बहुत अहम है, इस डायोड के अंदर एक फिक्स क्वांटिटी से ज़्यादा करंट गुजरने को रोकती है जिसकी वजह से हमारा डायोड सेव हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड था कि हम किस तरीके से फॉरवर्ड बायस डायोड को तब्दील करते हैं। अब इसके बाद जो है हम रिवर्स बायस डायोड के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि ये हमारे पास एक डायोड है जिसमें ये हमारा जो है एन टाइप है और ये हमारा जो है पी टाइप है, ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप होगा। पी टाइप को हम लोग एनोड कहते हैं और इसे हम लोग कैथोड कहते हैं। हम लोगों ने जैसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस में देखा कि फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने क्या किया होता है कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो पी टाइप है इसे हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो एन टाइप होता है इसे हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं।
अब चूंकि हमारा ये क्या थॉट बैठ चुके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एनोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। इस सिचुएशन में भी जो हमारी बैटरी का वोल्टेज है, चाहे वो फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो, वो होना तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल बैरियर है उससे ज़्यादा ही, उसकी जो वैल्यू है 0 to 30 volt तक हो सकती है, चाहे वो फॉरवर्ड बायस है या वो रिवर्स बायस है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि ये हमारी बैटरी का बैटरी है जिसे हम लोगों ने क्या किया है कि डायोड के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने बैटरी के जो टर्मिनल है उन्हें रिवर्स डायोड के साथ कनेक्ट किया, मतलब कि हम लोगों ने एन टाइप को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब इस डायोड के अंदर से जो करंट है वो करंट गुजरने के जो करंट है इसके अंदर से फ्लो करेगा वो बिल्कुल ही जीरो है, कोई भी करंट इसके अंदर से फ्लो ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों ने बैटरी के जो टर्मिनल है उन्हें हम लोगों ने उन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड किया है जिसकी वजह से इस डायोड के अंदर से जो करंट है वो गुजर ही नहीं सकता। अगर तो हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते तो इस वक्त यहाँ पर क्या होना था कि यहाँ से करंट जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में फ्लो कर देना था, लेकिन अब हम लोगों ने डायोड को इस सिचुएशन में जो है रिवर्स किया है कि इसके जो टर्मिनल है वही रिवर्स हो गए हैं। जब आपने कोई डायोड इस तरीके से बनाना हो कि उसके अंदर से करंट ना ही फ्लो करे, तो हम क्या करते हैं कि एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो डायोड बनता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये रिवर्स बायस्ड है, ये अब हमारा रिवर्स बायस डायोड बन गया है। अब इसमें क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिप्लेशन रीजन होता है ना यहाँ, ये जो हमारा डिप्लेशन रीजन बना है, जो कि यहाँ पर डिप्लेशन रीजन के बनने की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर भी आ जाता है, वो हमारी बैटरी को इस कंडीशन में इस तरीके से लगाने की वजह से उसकी जो मोटाई है या उसकी जो थिकनेस है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। ये मज़ीद इस तरीके से यहाँ पर भी आते चले जाते हैं चार्जेस, और यहाँ पर भी ये जो चार्जेस हैं मज़ीद बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस डायोड के अंदर जो है करंट बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है, करंट फ्लो ही नहीं कर सकता इसके अंदर से। अब यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो हमारे पास ये हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं, और ये वाले तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं जो कि एक परमानेंट आयन बन चुके हैं और अपनी जगह पे स्टेबल होते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे डायोड के अंदर जो है हमारे पास मिनिमम चार्ज मेजोरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं, ये हमारे पास जो है मिनिमम मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि चार्ज कैरियर है, यहाँ पे उनकी वजह से जो है रिवर्स करंट फ्लो करता है, हमारे पास इस डायोड के अंदर रिवर्स करंट आई फ्लो करता है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ मिनिमम जो है चार्ज कैरियर होते हैं, उन चार्ज कैरियर की वजह से हमारे पास रिवर्स करंट फ्लो करता है, उस रिवर्स करंट को हम लोग कहते हैं कि ये इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास लीकेज करंट आ गया जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, इसे हम लोग रिवर्स करंट कहते हैं, और ये रिवर्स करंट को बेसिकली हम लोग कह देते हैं, एक टर्म दे देते हैं जो कि लीकेज करंट है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी बैटरी है जो कि इस वक्त इसके अंदर से करंट गुजरने ही नहीं दे रही, एक पॉइंट ऐसा आता है जो कि इसके रिवर्स टर्मिनल के साथ जो है हमारा डायोड कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से करंट जो है वो मिनिमम होगा, गुजरने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, करंट की क्वांटिटी जो है वो जीरो है, करंट उसके अंदर से गुजर ही नहीं रहा, तभी तो उसके डिप्लेशन रीजन की जो थिकनेस है वो घटती चली जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो हमारा वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वजह से ये जो हमारा जो है रिवर्स करंट या लीकेज करंट वो इस कदर बढ़ जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये हमारा वोल्टेज, इस वोल्टेज की वजह से हमारा लीकेज करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इस जो डिप्लेशन रीजन है उसे डैमेज कर देता है, इस डिप्लेशन रीजन को वो डैमेज कर देता है, और उसके डैमेज की वजह से ये जो वोल्टेज है जो जिस रिवर्स वोल्टेज की वजह से, यहाँ पे जो वोल्टेज है उसे भी हम लोग रिवर्स वोल्टेज ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स है ना, तो इस रिवर्स वोल्टेज की वजह से वी आर की वजह से जो ये लीकेज करंट है ये थोड़ा सा फ्लो करता है, इस लीकेज करंट की वजह से जो लीकेज करंट है इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है एकदम कि ये डिप्लेशन रीजन को डैमेज कर देता है, तो वोल्टेज की वो क्वांटिटी जिसकी वजह से लीकेज करंट डिप्लेशन रीजन को जो है डैमेज कर देता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इसे हम लोग लिखते हैं कि ये हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो डिप्लेशन रीजन था हमारे रिवर्स डायोड का वो डैमेज हो जाता है लीकेज करंट की वजह से, और ये लीकेज करंट उस वक्त फ्लो करता है जब ये हमारा जो वोल्टेज है ये थोड़ी सी क्वांटिटी देता है हमारे रिवर्स करंट को, तो वोल्टेज की वो क्वांटिटी या वो वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है, पर ये जो हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज है जिसकी वजह से हमारा लीकेज या रिवर्स करंट इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो डिप्रेशन रीजन को डैमेज कर देता है, ये हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है डिपेंड करता है कि डिप्रेशन रीजन की थिकनेस कितनी है, और ये जो डायोड हम लोगों ने इस्तेमाल किया है किस मटीरियल का है, सेमी कंडक्टर मटीरियल जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है,
उनमें से किस मटेरियल का बना हुआ ये डायोड है, और इसमें ये जो डोपिंग की हुई है उसकी लेवल कितना है, मतलब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डोपिंग की है या मिनिमम डोपिंग की है। तो इस तरीके से हम लोग जो है डायोड का रिवर्स डायोड में तब्दील कर देते हैं, और रिवर्स डायोड में तब्दील करने की वजह से हमारे पास जो करंट है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। लेकिन बाद अवत होता है कि हमारे पास जो वोल्टेज है इसकी वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, जिससे थोड़ा सा करंट फ्लो करता है जो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो पोटेंशियल बैरियर है, उसे डैमेज कर देता है। उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटी जो चार्ज कर रही है उनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे हम लोग रिवर्स करंट कहते हैं। ये रिवर्स करंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है आइनोड तक जा सकता है, जो कि बहुत ही मैक्सिमम मिनिमम होता है, उसे हम लोग सैचुरेशन करंट कह देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से हम लोग रिवर्स बायस को तब्दील कर सकते हैं, किसी भी डायोड को रिवर्स बायस में, और किसी भी डायोड को जब हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में तब्दील करना हो तो वो अभी हम देख ही चुके हैं कि हमने किस तरीके से किया है। तो बेसिकली अगर रिवर्स बायस में जाना हो तो हमें क्या करना होता है कि ये अगर हमारा पी है और उसके साथ ये हमारा एन है, तो पी को हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है रिवर्स डायोड बन जाता है।